तुम्हें हमारी कसम, इस जाम को अपने इन हसीन होठों से लगा के सिर्फ एक बार जूठा कर दो प्लीज। कहा ना, मैं ये नहीं पीऊंगी। तुम तो मुझे यहाँ डिनर के लिए लाए हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर डिनर से पहले थोड़ी सी हो जाए ताकि भूख और बढ़ जाए, तभी तो डिनर खाने का असली मजा आएगा। दोस्ती का गलत फायदा मत उठाओ और मेरे साथ शराफत से पेश आओ। हुस्न की इबादत करना ही तो शराफत कहलाती है जाने मुन। मुन्ना, तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं है। भाग कर कहाँ जाओगी, दरवाजा दोनों तरफ से बंद है, और फिर ये शेर भी तो हमारी चौकीदारी कर रहा है। धोखेबाज, एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हें शान बचा दूंगी। अगर तुम्हें गला खराब करने का इतना ही शौक है तो हमें कोई एतराज नहीं। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, ये होटल इस शहर के सबसे शरीफ आदमी ठनठन तिवारी के बेटे मुन्ना तिवारी का है। यहाँ का हर नौकर हमारा गुलाम है, वक्त भी हमारा गुलाम है, और तुम भी। सामान बहुत ज्यादा है भाई, कमरे तक पहुंचाने में थोड़ी मदद कर देंगे? बाबू साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आप हमारे शहर में मेहमान हो, थोड़ी क्या पूरी मदद कर देते हैं। चलो आप। अरे कोई नहीं आएगा यहाँ। मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डालने से पहले एक बार भी अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा कमीने हरामजादे। मौत तो तेरी आई है साले, चल फट। जिस हाथ से तूने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की, वो हाथ मैंने इसलिए तोड़ा है कि आइंदा तो कभी ऐसी गंदी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। आओ। चल पिंकी, आजा।